जवानों को नियुक्ति पत्र भी दिया है और नियुक्ति यहां पर नौकरियों में भी हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा, इसकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। हम लगातार जेपीएससी और एसएससी की समीक्षा कर रहे हैं। अभी उन दोनों जगहों पर चेयरमैनों का पद खाली हो रहा है, एक जगह तो पूर्ण रूप से खाली है, मान्य सदस्यों की भी अभी उसमें जगह खाली हो गई है। उन सभी रिक्त स्थानों को पहले भरकर अविलंब जेपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति निकालने का कार्य किया जाएगा ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल पाए। बहुत बड़े पैमाने पे अभी रिक्त पदे हैं, उन सभी पदों की भी हम लोगों ने समीक्षा की है। अभी इन दोनों संस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए जो हम लोगों ने पहले भी वादा किया है कि नौजवानों को सरकार के जो हिस्सेदारी है उसमें जो भी आपको हिस्सा होगा वो हम लोग अविलंब देने का काम करेंगे। इसलिए साथी, बातें बहुत है लेकिन आज सांकेतिक रूप में जो हमारी राज बिल्कुल ठप पड़ी हुई थी उसको गति देने के लिए मैं पुनः यहाँ और खुद से राज के हेडक्वार्टर से बाहर निकला हूँ और भी कार्यक्रम के साथ हम अलग राज्यों में जाएंगे ताकि सभी जगह चीजें सामान्य स्थिति पर आए।